बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेफ मदनी यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद करने हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम बना रहे हैं बैंगन भरता। आइए हम आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं बैंगन भरता। सबसे पहले हमने 10 केजी बैंगन लिए हैं, उनको अच्छी तरह वाश किया है। वाश करने के बाद हमने उनका छिलका रिमूव कर दिया है। छिलका रिमूव करने के बाद हमने उनको बारीक कटिंग कर लिया है, छोटे छोटे पीस में। उसके बाद हमने उसमें साल्ट ऐड किया है। साल्ट आपने हसबे ज़रूरत डालना है। साल्ट के बाद हमने उसमें ओलिव ऑयल डाला है 250 ग्राम। अभी अच्छी तरह मिक्सिंग कर रहे हैं हम। इसे ओवन में डालेंगे। अगर आपके पास ओवन अवेलेबल नहीं है तो आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद हम इसे ओवन ट्रे में डालेंगे। बहुत ही आसान डिश है बैंगन भरता, आप भी ट्राई कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अभी हमारा ओवन रेडी है। ओवन टेम्परेचर 250-250 होना चाहिए दोनों साइड से। दस मिनट के लिए हम ओवन में डाल देंगे। देखें, 10 मिनट के बाद बैंगन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी हमने ग्रीन चिल्ली ली है 250 ग्राम। उसके बाद टमाटर लिए हैं 1 केजी। उसके बाद ओनियन लिए हमने 1 केजी। अभी हम कटिंग करेंगे, बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है। हमारी कटिंग रेडी हो चुकी है। ग्रीन चिल्ली, ओनियन, टमाटो, कोरिएंडर लीव और लेमन, 2 पीस हमने लेमन लिए थे। हमारा बैंगन भी रेडी हो चुके हैं। आए हम अभी मिक्सिंग करते हैं। सबसे पहले हम ओनियन डाल देंगे, जो बारीक चॉप करके रखे थे हमने, 1 केजी ओनियन। 10 केजी हमने बैंगन लिए थे, उसके हिसाब से 1 केजी ओनियन लिया हमने, 1 केजी टमाटो लिया है हमने। टू फिफ्टी ग्राम ग्रीन चिली लिया ली थी हमने, बिल्कुल बारीक कटिंग की थी ग्रीन चिली। 200 ग्राम कोरिएंडर लीव लिया था हमने, धनिया पत्ता। अभी हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। साल्ट ऑलरेडी हमने पहले ही डाल दिया था। अभी हम मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से। अभी हम मिक्सिंग कर रहे हैं। हमारा बैंगन भरता रेडी है। बहुत ही आसान है, आप भी ट्राई करें, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।